नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पीटी का पेपर आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और एक्चुअल में दोस्तों, ये पेपर आपका एक एक्सपेक्टेड पेपर रहेगा 2021 के लिए, जिसमें से हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आप लोग के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और पूरा प्रयास रहेगा कि आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय बीएसए, जय बीएसए क्लास। और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अकबर और फिरोज शाह तुगलक, तो इन सब का संबंध किससे है ये बताना है आपको। जैसे कि जौनपुर सिटी हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, जामा मस्जिद हो गया, आगरा सिटी हो गया, सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहां पर जो आपको दिया गया फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी जो है ये अकबर ने इसकी आधारशिला रखी थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी आपका हो जाएगा, इसकी आधारशिला अकबर ने रखी थी। जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक ने, जौनपुर सिटी जो आपको दे रखा है ये आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया आगरा सिटी, सिकंदर लोदी, आगरा की बात करेंगे तो सिकंदर लोदी ने बसाया है। और आपका इल्तुतमिश, जामा मस्जिद बदायूं वाली, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 फिर 2 फिर 1 3 4 2 1। यानी कि अगर आपका आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका है रणथंबोर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात, और ये हैं कर्णदेव, राजा राजा राय रामचंद्र, हमीरदेव या राणा रतन सिंह। चलिए बताइए। तो रणथंबोर की अगर हम बात करेंगे, रणथंबोर से संबंधित हैं हमीरदेव। रणथंबोर संबंधित आपके कौन है, हमीरदेव। चित्तौड़ से राणा रतन सिंह जी का संबंध है। देवगिरी के कौन थे आपके, देवगिरी से आपके हैं राजा राय रामचंद्र जी। और गुजरात से आपके कौन है, कर्णदेव हैं। तो यानी कि सही जवाब क्या होगा, पहला 3 फिर 4 फिर 2 फिर 1 3 4 2 1। यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहां पर, ये कहां पर है आपका। देखिए, पुंड्रवर्धन का जो उल्लेख है ये गुप्तकालीन अभिलेखों में हुआ है, और जिनसे हमें मालूम चलता है कि ये आपका उत्तर बंगाल में है। तो ये आप लोग का कहां पर है, पुंड्रवर्धन जो है आपका ये जो अवस्थित है ये आपका नॉर्थ बंगाल में है। तो सही जवाब हो जाएगा नॉर्थ बंगाल। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए। जो बुद्ध जी की अगर हम बात करेंगे, भगवान बुद्ध जी की, कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। बुद्ध जो है हमारे, कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, शतानिक, उदयन, बोधि, निका। हाँ, तो अगर आपने चूज किया यहां पर उदयन के टाइम में आए थे, उदयन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। गौतमी, अगर गौतम बुद्ध जी की बात करेंगे, गौतम बुद्ध के कौशाम्बी यात्रा के समय उदयन नामक के प्रसिद्ध राजा का राज था, और यह निर्धारक बौद्ध ग्रंथ महावंश, जैन ग्रंथ स्थिराविरली, हरवंश, विष्णु भागवत आदि पुराणों के आधार पर माना जाता है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है उदयन, बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब हो जाएगा आपका राजा उदयन। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल बताइए, ए बी सी या फिर डी। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल बताइए, तो बृहत स्थल आपका राखीगढ़ी है, ठीक है ना। तो भारत में हड़प्पा का जो बृहत स्थल है यह आपका हो जाएगा राखीगढ़ी होगा, इसका बिल्कुल कंफर्म आंसर। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब किया गया, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया, फटाफट से बताएंगे आप लोग। जैसा कि आपको पता होगा कि 1938 में, ओके, 1938 में हरिपुरा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति की गई। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी। क्या होगा आपका, सुभाष चंद्र बोस जी, ये आपको दिया गया है। बाकी आपको पता होगा कि इस समिति के जो अध्यक्ष थे ये आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन गठन की अगर मैं बात करूंगा तो इस समिति का सुझाव इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो जिसका भी आंसर आ रहा है सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया भाई। बाकी लोग कितने हैं, टुस्सी सारे के सारे क्लास में चले आई जल्दी से। आज मैं बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर करा रहा हूँ आपको, ये एक एक्सपेक्टेड पेपर रहेगा जिसमें मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें आप लोग की मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक ना,
जीके, करंट, लगभग सभी प्रश्नों को लिया है, हिंदी भी रहेगी। तो बहुत बढ़िया आज का प्रैक्टिस पेपर है, जल्दी से आप लोग क्लास में आ जाइए फटाफट से। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? बस पहले साल में खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करें। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही जवाब क्या होगा बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, महात्मा गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे, महात्मा गांधी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। तो जिसका भी आंसर आ रहा है जीके गोखले, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेवेन्शन जुड़े थे किससे? ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेवेन्शन जो है, ये किसके किससे जुड़े हुए थे? आपके असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से? बताइए, देखते हैं कौन बताता, देखते हैं कौन आज सारे सवालों के सही जवाब देगा। काजल साहब, वंदना, विष्णु जी, ध्यान दीजिए, रुद्रा, काजल साहब, प्रेम, सहारनपुर, त्रिषा, सभी लोग जवाब दीजिए। ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेवेन्शन ये किससे जुड़े थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वांध्र में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? तो यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा ये किस कौन है? राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त, राधा कांत देव, हेनरी विवियन डॉर्जियो। तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या होगा? मैं देख पा रहा हूँ प्रेम, दीपक, जीत, कंचन, विष्णु, शाबाश, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बढ़िया तरीके से प्रयास कीजिए। जिसका भी आंसर आ रहा है डॉर्जियो, इसके पीछे प्रेरणा कौन थी? तो प्रेरणा का सोर्स आपका ये है हेनरी विवियन डॉर्जियो, हेनरी विवियन डॉर्जियो। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नेता आपका उग्रवादी नहीं था? पाल जी, तिलक जी, बैनर्जी जी, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना कि कौन सा नेता आपका उग्रवादी नहीं था। आइए और आप लोग बताइए कौन सा नेता आपका उग्रवादी नहीं था। देखिए, लोकमान्य तिलक जी, अरविंद घोष जी, बिपिन चंद्र पाल जी, लाला लाजपत राय, ये सब आपके उग्रवादी थे। जबकि डब्ल्यू सी बैनर्जी, आपके डब्ल्यू सी बैनर्जी आप लोग के उग्रवादी नेता नहीं थे। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। डोबर जल संधि जोड़ती है किसको किससे? आइए और आप लोग बताइए, डोबर जल संधि जोड़ती है। बताइए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश चैनल को, ठीक ना, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। डोबर जल संधि की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। आवाज की प्रॉब्लम, हाँ, आपको होगी, ठीक ना, इस टाइम प्रॉब्लम होगी, जब लाइट आएगी तब जाके सही होगी। फिलहाल इसके पीछे तो और कोई लॉजिक नहीं है, सारा लॉजिक वेव्स का है, ठीक है ना। एक होती है साइन वेव, और ये जो आपका एसी करंट में आता है, और एक आपके डीसी करंट, और ये डीसी करंट हो गया, लाइन सीधी है, तो इसमें आपकी जो आवाज इस तरीके से चलती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नांकित को सम्मिलित कीजिए। अब देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, निम्नांकित को सम्मिलित कीजिए। अन्य महाद्वीप, विश्व की छत, हजारों झीलों का देश, मोतियों का द्वीप, मिलाइए। आवाज को छोड़िए, आवाज को मारिए गोली, और जो मैं क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ ये आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। आवाज को छोड़िए, जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ उसको फोकस कीजिए, और मुझे बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। आवाज आ रही हो नहीं आ रही हो उसको छोड़िए, जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग देख कर जवाब दीजिए सही जवाब क्या होगा। देखिए, तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे ये अन्य नहीं, ये अंध लिखा है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अंध महाद्वीप ये आपका अफ्रीका में है, विश्व की छत पामीर का पठार, हजारों झीलों का देश फिनलैंड, मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। तो भाई ये आपको दे रखा, सबसे पहला अंध महाद्वीप अफ्रीका, विश्व की छत पामीर पठार, हजार झीलों का देश फिनलैंड,
मोतियों का द्वीप बहरीन। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पहले 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2, ठीक है ना, 3 4 1 2, जिनका भी आंसर बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हीराकुंड बांध जो है मेरे प्यारे दोस्तों किस नदी पर बना है, आपका गोदावरी, महानदी, पेनार, दामोदर, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे हीराकुंड बांध जो है आपका किस नदी पर बना है। भाई बाकी लोग कितने रह गए, सभी लोग क्लास को लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। हीराकुंड बांध जो है आप लोग का तो ये आ जाएगा महानदी पर आ जाएगा, तो जिनका भी आंसर महानदी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है, कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है, ए बी सी या फिर डी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है, तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा विकल्प दिया नहीं गया, तो फिलहाल मैं तभी आप लोग को बताता हूँ कि इसमें आप लोग का जो है क्या हो सकता है राइट आंसर। तो सभी लोग जो है ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को आप लोग जो है शेयर करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, समझते रहिए। देखिए पीतल और जो कांसा होता है, ये जो आप लोग का पीतल होता है, जो कांसा होता है, ये आपका हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए कि पीतल और कांसा दोनों आपके मिश्र धातु हैं, पीतल तांबा एवं जस्ते का, जबकि कांसा जो होता है तांबा और टिन का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तांबे के मिक्सअप की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वही तांबे के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो मेरे प्यार से पीतल में और कांसे में आपका यूज रहेगा इसका, तो पीतल जो है आपका और कांसा, तो पीतल और कांसा दोनों ही आपकी मिश्र धातु हैं। तो कौन कौन सी हैं, पीतल भी और कांसा भी, क्योंकि इसमें आप लोग का जो है तांबा और जस्ते का मिक्सअप रहता है, कांसे में रहता है तांबा और टीन का मिक्सअप रहता है, ठीक है। तो जिसका भी आंसर सी आ रहा बिल्कुल राइट है, यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन गलत दे रखा है, तो ऐसे में मेरे अकॉर्डिंग टू मी आपका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आप लोग को क्या दिया गया है, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों तब आपका ये थोड़ा ऊपर उठेगा, अगर जहाज आप लोग का जो है ये जहाज है, अगर ये आपका नदी से समुद्र में उठेगा तो थोड़ा सा और ऊपर उठेगा, यहाँ से फिर समुद्र में प्रवेश करेगा। क्यों, क्योंकि नदी के जल की अपेक्षा समुद्र जल का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, तो घनत्व ज्यादा होता है अतः समुद्र में जहाज को जल विस्थापित करता है, उसका ऊर्ध्व दबाव ज्यादा होता है जिससे जहाज ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा उठ जाएगा, तो जिनका भी आंसर आ रहा है आप लोग का उठ जाएगा बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। हवाओं की जो ऊर्जा होती है कैसी होती है, हवाओं में क्या है, हवाओं में क्या है दोस्तों, तो हवाओं में आप लोग की केवल गतिज ऊर्जा होती है, लगातार चलती रहती है, हवा रुकती नहीं है, हवा चलती रहती है लगातार, तो हवा में आप लोग का हो जाएगा ओनली ऑन गतिज ऊर्जा होती है। अगर आपका आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बराबर आप लोग जानते होंगे के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, यदि अंकों के स्थान को, यदि अंकों के स्थान को आपस में अपरिवर्तित कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है, तो मूल संख्या आपकी क्या होगी बताइए। तो दोस्तों दो अंकों की एक संख्या के अंकों का जो योग है वो 12 है, यदि अंकों के स्थान को आपस में चेंज किया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी 39, 48, 75, 57, ऐसे में आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा ए बी सी या फिर डी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, तो मैंने ऑप्शन उठाया डायरेक्ट, देखिए सबका 12 तो योग है, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12, 5 7 12, ठीक है ना, लेकिन जब मैं आपस में चेंज कर रहा हूँ तो उनके बीच का डिफरेंस 18 आना चाहिए, जैसे 39 और 93 कभी नहीं आएगा, 48 और 84 कभी नहीं आएगा,
57 और 57 से 75 इन दोनों में चेक करना पड़ेगा। क्यों? कह रहा 18 ज्यादा होता है, तो ये 57 मैंने मान लिया, 57 में अगर 18 आगे बढ़ेंगे तो कितना आ रहा है, 8 7 15, 5 2 7 75। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 57 हो जाएगा, तो वो मूल संख्या 57 हो जाएगी। और मूल संख्या जो 57 है इससे 18 ज्यादा निकलता है जो आप अंकों को आपस में बदलते हो, तो 57 वालों का होगा सही जवाब। 57 वालों को लगेगा नैया पार होगा आपका बेड़ा पार। आइए बढ़ते हैं अब आगे अगला सवाल। ए का 20% बी है, ए का 20% बी है, तो आप मुझे बताएंगे कि 20 का 20% ये किसके बराबर होगा। चलिए बताइए ए बी सी या फिर डी, तो क्या होगा आपका सही जवाब बताइए आप। देखते हैं अगर हम इस सवाल की बात करेंगे, देखिए 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो बी बराबर आ गया ए बटे 5 आ गया, ठीक है ना। हमको निकालना है 20 का 20%, तो b का मान कितना है आप लोग का, 20 का b का मान है a बटा 5, तो a बटा 5 लिख लिया, परसेंटेज लिख लिया, तो कितना आपका हो जाएगा, देखिए 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा a का 4%। तो जिसका भी आंसर आ रहा है a का 4% बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो जिनका भी आंसर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर अगर d आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भाई 20 का 20% ए का 4% के बराबर होगा, तो बहुत सारे लोग सी दे रहे हैं, सी वाले लोग जो है बिल्कुल नकलची हैं, और डी वाले लोग बहुत महान हैं। ऐसे ही महान बने रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और देखते रहिए BSA ट्रिकी क्लासेस को। ओके, यहाँ टीपना नहीं है आपको सीखना है, ओके टीपना नहीं है आपको सीखना है, सवालों को लगाना कि कैसे सवाल लगाए जाते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, स्त्रीलिंग शब्द बताइए, मालिक कहार पाठक योगिनी, तो मालिक हो कहार हो पाठक हो ये पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन योगिनी शब्द तो योगी का बना है, तो आप जैसे योगी लोगों के लिए क्या है इसका स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा योगिनी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है योगिनी आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, योगिनी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, भाई इस वाक्य में त्रुटि है, त्रुटि कौन सी त्रुटि है, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के, ठीक है ना, लक्ष्मण जी को होश में लाए, तो इसमें त्रुटि एक मिल रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है ना, तो लक्ष्मण जी को के लिए नहीं होगा, के लिए की जगह पर आपका को आ जाएगा, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए, फिर होश आगे आपका मेल आए, होश मेल आए, तो ये दो दो त्रुटियां आप लोगों को दे रखी हैं, तो कैसी त्रुटि देख पा रहे होंगे आप लोग, कारक की और विभक्ति की, तो इसमें कारक विभक्ति की गलती है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर ये सब आपको रटा हुआ है ना, तो वही इसमें के लिए की जगह पे आपका को आ जाएगा, तो ऐसे में इसमें जो त्रुटि है वो कारक और संबंधी, कारक और विभक्ति संबंधी त्रुटि है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम बताइए। देखिए दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम, नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम, नैसर्गिक का उल्टा हो जाएगा कृत्रिम होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ही ओपन्स द डोर, ओके एक सेंटेंस आप लोग को दिया गया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग आप लोग के सामने है, तो ये एक आप लोग का एक्टिव वॉइस में है, ये आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, हमको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, ही ओपन्स द डोर, आप सभी लोग मुझे बताइए ही ओपन्स द डोर का पैसिव वॉइस आपका क्या होगा बताइए। तब तक जो लोग नए हैं जिनको नहीं मालूम है, हम जानेंगे आखिरकार UP SSC के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो अब होगा बेस्ट बुक का रिव्यू, आप लोग मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल को कैसे आपको लगाना है, सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी बुक रहेगी बेस्ट, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पर जानना चाह रहे थे कि UP SSC PET के लिए बेस्ट बुक कौन सी है,
तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि डिटेल से पढ़ने के लिए हमने आप लोग को डिटेल बुक सजेस्ट की थी, लेकिन अब जो है आपका एग्जाम जो है नज़दीक आ रहा है, क्योंकि आपका जो पेपर होना है वो 20 अगस्त को होना है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता होगी। तो प्रैक्टिस के लिए ये रही आपकी सबसे बेस्ट बुक, आप स्क्रीन पर थंबनेल देख पा रहे होंगे, ये है आप लोग की यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं 9837349207, और आपका सेकंड नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है 8449751133। ओके, और मैं आप लोग को बता दूं यहाँ से, इसमें आप लोग के सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, और ये जो बुक है आपकी मार्केट में और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं, जिसमें आप लोग को फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा और आप लोग को अमेजन का लिंक दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप लोग की बुक है, इसमें करीब 1950 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। ये किताब पूरी आपकी सिलेबस पर बेस्ड है, आप देख सकते हैं, ये आप लोग की बुक दे रखी है, काफ़ी अच्छी किताब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपके एग्जाम में अगर हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आएंगे, तो इस प्रैक्टिस सेट में भी 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, 5 क्वेश्चन आंदोलन के हैं, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, 5 क्वेश्चन आपके हैं अर्थव्यवस्था से हैं, वही 5 क्वेश्चन आप लोग के कॉन्स्टिट्यूशन से हैं। तो जैसा आपका सिलेबस है, उसी सिलेबस के आधार पर उतने उतने क्वेश्चन ही आप लोग के प्रैक्टिस सेट में दिए गए। इससे दोस्तों आपका फायदा ये होगा, अगर आप इस बुक को मंगवाते हैं तो अपने मोबाइल पर एक टाइमर लगाइएगा और उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि आप जो है एक पूरे प्रैक्टिस पेपर को कितने टाइम में जो है सॉल्व कर पा रहे हो। तो कुछ प्रैक्टिस सेट कैसा होगा ये देख सकते हैं आप लोग के, इसमें एक से लेकर टोटल 20 तक प्रैक्टिस पेपर आप लोग के दिए गए हैं। ये है पहला प्रैक्टिस सेट, पहले प्रैक्टिस सेट में दोस्तों देख सकते हैं ये आपका रिव्यू हो रहा है। पहला प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं, इस तरीके से सारे क्वेश्चन हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चन हो गए, फिर 5 क्वेश्चन आप लोग के मैथ के हो गए, मैथ के बाद 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए, हिंदी के बाद एक आता है आपके एग्जाम में गद्यांश आता है और एक आता है पद्यांश आता है, ये आपका हो गया। इसके बाद इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश का दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग का ये हो गया और एक आता है इंग्लिश में पैसेज आ जाएगा, तो ये आपको पैसेज दिया गया। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। रीजनिंग के बाद देख सकते हैं इसमें 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के, बिल्कुल 61 से लेकर आपके यहाँ पर 70 तक 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, और 71 से लेकर आप लोगों के यहाँ पर 80 तक ये आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं। फिर आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे ग्राफ के, 2 आएंगे टेबल। तो ग्राफ के क्वेश्चन 81 से लेकर 85 तक है, और आप लोग का सेकंड दे रखा है ग्राफ 86 से 90 तक। तो 10 क्वेश्चन आएंगे ग्राफ से, ये देखिए पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, और 2 आएंगे टेबल, ये पहली टेबल है और दूसरी टेबल है। तो जितना आप लोग का जो सिलेबस है, जो 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, जिस लेवल से आएंगे, ठीक है ना, जितने जितने क्वेश्चन आएंगे, सेम पैटर्न पर ये पूरा प्रैक्टिस पेपर आधारित है। और इस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने के बाद अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, और यही नहीं, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आपको विद डिटेल एक एक क्वेश्चन को समझाया गया है, उत्तर व्याख्या सहित यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, पूरी डिटेल आपको दे रखी है। ऐसे ही आपका पहला प्रैक्टिस सेट, दूसरा प्रैक्टिस सेट, कुल मिलाकर 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड करा दिए हैं, अगर कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये बुक आपकी ये जो है मार्केट में भी अवेलेबल है, इसके अलावा आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक दिया गया है। तो आइए देखते हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था जो कि आपका एक्टिव वॉइस में था, अब इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो सबसे पहले आप लोग का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है आप लोग का, द डोर, ऑब्जेक्ट आपका क्या, द डोर। अब ये ओपन्स है तो यहाँ लगाएंगे एज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ओपेंड हो जाएगी। बाई लगा के सब्जेक्ट, तो बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द डोर इज ओपेंड बाई हिम, द डोर इज ओपेंड बाई हिम। तो जिन मेरे परम प्यारे दोस्तों ने आंसर भी दिया है बिल्कुल राइट होगा। तो मेरे बीएसएस बब्बर शेरों और शेरनियों, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सभी ड्रेस कपड़े हैं और सभी कपड़े धागे हैं, ये ए है ये भी ए है, देखते देखते कट गया, तो सभी ड्रेस धागे हैं,
सभी ड्रेस धागे, ये सही। सभी धागे कपड़े, धागे कपड़े, ये गलत हो गया। तो केवल पहला वाला आपका राइट हो जाएगा, बाकी दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे में अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अब एक कोड आपको दिया गया है, इंक्लूड का कोड आपके सामने है, रिवर्ड का कोड आपके सामने है, तो ड्राइवर का कोड उस भाषा में कैसे लिखेंगे, ज्ञात कीजिए। ड्राइवर, तो डी आर आई वी ई आर, तो डी आपका दो नंबर पे है, दो लिख लिया। आर आपका तीन नंबर पे, तीन लिख लिया। आई आई कहाँ पर, इंक्लूड आई आपका चार पर, चार लिख लिया। तो दो तीन चार, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब वी और देख लो, रिवर्ट आर ई वी वी एक नंबर पे है, तो एक नंबर वाला आपका ये हो गया, ये गलत हो गया। तो यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। जिन दोस्तों का आंसर बी आया है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। अब हम लोग कुछ करंट के क्वेश्चन देखेंगे, कुछ करंट के क्वेश्चन होंगे और कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे। तो करंट अफेयर के लिए तो आपको बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर जाना होगा, वहां पर मैंने प्रॉपर 6 महीने की करंट अफेयर करा दी है और अभी एक दो दिन में आप लोग की पूरी हो भी जाएगी। तो 6 महीने की करंट अफेयर मैंने पढ़ा दी है जो कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक की है, और बाकी के 6 महीने की करंट अफेयर जो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है ना। तो किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने पहली बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था, ए बी सी या फिर डी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भाई ओलंपिक में पहली बार जो महिला खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक खेलों के लिए जो पदक प्राप्त किया था, ये हमारी महान प्लेयर हैं श्रीमान कर्णम मल्लेश्वरी जी। तो ये आपकी हो जाएंगी यहाँ पर श्रीमती कर्णम मल्लेश्वरी जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको जो है 1994 में भी अवार्ड मिला है अर्जुन पुरस्कार, 1995 में इनको मिला है राजीव खेल रत्न अवार्ड, और 1999 में मिला है यहाँ पर इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो 94, 95 और 99, ये क्या है आपका, सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, और फिर मिला है पद्मश्री। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोग का मनाया जाता है, एक दो तीन चार, क्या होगा सही जवाब बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजा जो है किस विश्व विरासत स्थल में है। अलाई दरवाजे की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए अलाई दरवाजा आपका नई दिल्ली के कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में आपका स्थित है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है कुतुब मीनार आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो अलाई दरवाजा जो है आपका, ये आपका किस विश्व विरासत स्थल में है, तो कुतुब मीनार होगा राइट आंसर। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा कुतुब मीनार में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में आपका स्थित है, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। तो अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और दांडेली की मैं आज बात करूंगा, आज मैं आपको बताऊंगा दांडेली के बारे में। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, और यह अभयारण्य जो है आपका 866.41 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभयारण्य जो है पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये एक ऐसा अभयारण्य है जिसको पक्षी प्रेमियों का, ठीक ना, पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पक्षियों की लगभग 2000 से भी ज्यादा, सॉरी 2000 कह रहे, करीब 200 प्रजातियां यहाँ पर आपकी पाई जाती हैं, और यहाँ के प्रमुख जीव हॉर्निवल, ठीक ना, चितकबरा, हॉटिल, काला पैंथर, मालावाट गिलहरी, मंट जैक, ठीक ना, यानी कि भौंकने वाला हिरन हो गया, हाथी, किंग कोबरा, मगरमच्छ। आप जाइएगा कभी घूमने जाइएगा, देखिएगा यहाँ पर ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका पड़ता है कर्नाटक में।
ओके, तो दांडेली कर्नाटक, दांडेली कहाँ का है? कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिए हैं संस्थान, जैसे कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान है, ठीक है ना। और गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है। तो सबसे पहला वाला आपका कहाँ पर है? देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका पड़ता है हापुड़ में, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपका दे रखा है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका हापुड़ में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये आपका नोएडा में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, तो गोविंद वल्लभ पंत ये आपका प्रयागराज में है, ठीक ना। एंड हरिश्चंद्र भी आप लोग का कहाँ पर है? प्रयागराज में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 3, 2 और 3, फिर आप लोग 1 4 कीजिए, 4 1 कीजिए, बात एक ही है, ठीक ना। तो 2 3 यहाँ पर है, यहाँ पर तो है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 3 1 4। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपका मेरे परम प्यारे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? दोस्तों किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तुर्की, फ्रांस, बेल्जियम, यूनान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा आपका बेल्जियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम होगा इसका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 21, 25, 18 या फिर 30? देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 84 के मुताबिक लोकसभा की मेंबरशिप के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम जो आयु है ये 25 से कम नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 84 में योग्यताएं हैं, ठीक है ना। तो जिसका भी आंसर आ रहा है 25, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो कि सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तो भारत की राजधानी जो है दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में 1600 वर्षों से बिना जंग लगे हुए आसमान के नीचे खड़ा है। करीब 7.21 मीटर जो है यह लंबा है, इसकी ऊंचाई है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है कुतुब मीनार परिसर, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है? कुतुब मीनार परिसर में है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता कौन? कौन नहीं मनाता 1 नवंबर को? उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? हर साल प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को आपका एमपी, कर्नाटक, पंजाब, केरल, हरियाणा और छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, और इन सभी राज्यों का जो गठन है ये आपका 1 नवंबर को ही हुआ है, और 9 नवंबर को उत्तराखंड में स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मनाता है 9 नवंबर को। पंद्रह से लेकर 21 नवंबर 2021 को किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वच्छता, राष्ट्रीय पोषण या राष्ट्रीय नवजात सप्ताह?
तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। तो जिसका भी आंसर आ रहा है राष्ट्रीय नवजात सप्ताह, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, है ना। अब देखिए दोस्तों, एक मैं छोटा सा आप लोग के सामने स्टोरी पढ़ता हूँ और इससे कुछ मैं क्वेश्चन करूंगा, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है ना। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, आपको ये पता है, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है, और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से मालूम चला है कि 90% जो अमेरिकी शिक्षक हैं, ये आपके विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते और बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरीके से जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे ज़्यादा रुचि होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते और जब करते भी हैं तब वे जो चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चितता और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उसमें कूट कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। दोस्तों नॉर्मल सी बात है, अगर मैं भी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैं भी अगर आपको सिखा रहा हूँ, अगर मैं आप लोग को अपने विषय में नहीं बताऊंगा किस तरीके से कामयाब होना है, कैसे मेहनत करनी है, तो आप रुचि नहीं लोगे, तब तक आपको मज़ा ही नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन साफ तौर पे टीचर को यह बताया जाता है कि अगर आपको कुछ नहीं मालूम है या किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है या कोई उलझन है, वो बच्चों को नहीं बताना है। लेकिन इसके विपरीत जो मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, मतलब इसमें भी ये बताया जा रहा है कि अगर आप बच्चों से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हो, उन्हें बताते हो कि इससे ऐसे निकला जा सकता है, ऐसे बच सकते हैं, इस अज्ञानता को ऐसे दूर किया जा सकता है, इस उलझन से ऐसे निपटा जा सकता है, तो बच्चा पूरा इंटरेस्ट लेगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं। इसमें खुले का मतलब क्या है, ए बी सी या फिर डी? तो इसमें खुले का दोस्तों मतलब क्या है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए आप लोग। बहुत खुले स्थान में रहना या बिना दूर छिपाव के बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले, खुले तौर पे काम करने वाले। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आइए और आप लोग बताइए, ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। खुले का मतलब है कि दुराब छिपाव से बात करना, तो ये हो जाएगा बिना छिपाप की बात करना, ठीक है ना। सब कुछ जो है आता है तो भी यही है, नहीं आता तो भी यही है, आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लेंगे। कामयाब लोगों की पहचान जानते हो क्या होता है, आज मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, सच्चाई ये है, आता है तो आपको अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लेंगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं इस टाइम, नहीं आता है तो सीख लेंगे और कामयाब तो बनकर ही दिखाएंगे, हमने है ठाना कामयाब बनकर दिखाना, तो इसलिए जो नहीं आता उसको सीख लेंगे, दिक्कत वाली की बात ही खत्म होगी। अब आपका जो तुक्का लगाना, प्रेम सहारनपुर, कब तक लगाओगे तुक्का, ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे इस तुक्के से। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो चीजों को सीखो, समझो, परखो, मेहनत करो, तुक्के से जिंदगी नहीं चलने वाली आपकी। जिंदगी में अगर कामयाब होना है उसको सीखो, सीख लो। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, अमरीकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है, ए बी सी या फिर डी? तो जैसे कि मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि अमरीकी शिक्षक के बारे में यह बात सही है कि वे बच्चों के सामने सभी तरीके की बातें
नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो बच्चों के साथ हर तरीके की बातें नहीं करते हैं, जितनी ज़रूरी है वो उतनी बात करते हैं। तो ये बात आप लोग की सही दे रखी है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सी वाला, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि, अच्छा शिक्षकों को क्या सिखाया जाता है? शिक्षकों को यह बताया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। ये सुखा ठीक ना, ये स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा किस बात में है? अगर मैं बच्चों के रूप में देखूं, बच्चों का बच्चा बन के अगर मैं देखूं, तो क्या होता है, बच्चों को सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो जिज्ञासा है, किन बातों को जानने में ज्यादा मजा आता है? शिक्षकों के निजी जीवन में, शिक्षकों की अज्ञानता के बारे में, प्रशिक्षण के बारे में, या उलझनों के बारे में? तो देखिए मेन बात की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों को सबसे ज्यादा जिज्ञासा अपने अध्यापकों के व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में होती है, क्योंकि इससे वो महसूस करते हैं कि आखिरकार बड़ा होना क्या होता है। तो शिक्षकों के निजी जीवन के बारे में जानने में बच्चों को काफी इंटरेस्ट आता है, जिज्ञासा आता है, क्योंकि इससे वो फील कर पाते हैं कि आखिरकार बड़ा होना क्या होता है, आखिरकार बड़ा होना क्या होता है, बड़ा होना क्या होता है, किसको बोलते हैं बड़ा व्यक्ति, कौन होता है बड़ा आदमी, कैसे बनते हैं, कैसे करते हैं। तो ये सब जानने में बहुत लोगों को इंटरेस्ट आता है। ओके, तभी लोग, आप लोग सुनाते होंगे आपको मोटिवेशनल स्टोरी कि उसने इतनी दिन रात मेहनत की, खूब पढ़ाई करी, वो इस लक्ष्य पे पहुंच गया है। तो इसलिए आप लोग को सिखाया जाता है प्रॉपर तरीके से, तो बच्चों को भी जानने में इन टॉपिक में ज़्यादा मज़ा आता है। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसमें ये चीज़ सही नहीं है कि स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये वाली बात आप लोगों को जो दे रखा है कि पारंपरिक स्कूल में क्या है, बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, ये चीज़ सही नहीं है। तो जिनका भी आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये बात आपकी सही नहीं है। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, अगली क्लास में मैं अगला पेपर कराऊंगा, तो अगले पेपर के लिए तैयार रहेगा। उसमें भी मैं आप लोग के साथ लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाला हूँ। तो जल्दी से आप लोग क्लास में आ जाएगा, मैं बहुत जल्दी क्लास शुरू कर दूंगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आज आप लोग को, अगर रही अंदर जान तो लगे रहेंगे आपके साथ। तो अभी मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा और लगातार क्लासेस कराऊंगा बैक टू बैक, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट का गैप लेके। इतने में आपका चाय पानी हो जाएगा, पानी यानी पी लेंगे आप लोग, तैयार हो जाएंगे। तो 20 मिनट का, 25 मिनट का गैप लेकर हम लोग लगातार कंटिन्यू बैक टू बैक क्लासेस करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, अब ना हो परेशान, आ गया है आपके सामने BSA ट्रिकी क्लास। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, जय BSA, जय BSA क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।